अथ द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान ने अपने श्री मुख वाणी से देवर्षि नारद जी को ये बताया। काशीपुरे रम्य यासी दुपोति निर्धनाः। हे देवर्षि, काशीपुर में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण निवास किया करते थे। काशीपुर क्या है? ये शरीर ही काशीपुर है। इस शरीर में रहने वाली आत्मा ही सतानंद है। इस शरीर में रहने वाली आत्मा ही सतानंद है। जो अपने में मस्त रहे, अपना ही देखे, दूसरे का ना देखे, पड़ोसी का ना देखे, संसार का ना देखे, तो जो अपना ही देखे वही सतानंद है। अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा रहे कि बस मेरा हो जाए, पूरा हो जाए, और बाकी किसी का हो या ना हो वही सतानंद है। और जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो दुखी हो जाता है और अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म करने लगता है जो खुद कष्ट पाता है, दूसरों को भी कष्ट देता है। तो ये शरीर एक काशीपुर है, रहने वाली आत्मा ही सतानंद है। वो कथा एक लौकिक थी, व्यवहारिक थी। अगर उसमें जाएंगे तो वो पंडित जी थे, वो गरीब थे, कष्ट पाते थे ना, ये हमारे जीवन की व्यथा की ही कथा है। सत्यनारायण भगवान इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो वो एक ब्राह्मण को माध्यम बनाकर के एक शिक्षा दिया संसार में कि हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, कमाता है, लेकिन जब उसके ऐसे कार होते हैं और जब वो दुखी हो जाता है और जब वो ऐसे रास्ते को चुन लेता है कि भैया न रहेंगे न देखेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो अब अपने परिवार का ही पालन नहीं कर पाते हैं, घर नहीं चला पाते हैं, तो संसार में हमको नहीं रहता। बहुत से लोग जो है गलत निर्णय लेकर के जो है संसार से चले जाते हैं। तो ऐसे ही समझिए, तो वो काशीपुर में रह करके वो दुखी रहा करते थे। एक दिन दुखी होकर के लौट भी रहे थे क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। कमाने तो सबको ही जाता है और जब लौटता है कमा ना पाए तो वो सोचेगा घर कैसे जाए हम, भैया ना जाएंगे घर, इससे अच्छा तो वही प्रकार की मन में संकल्प विकल्प पंडित जी के मन में उपजे और उन्होंने निर्णय सोचा कि अब घर ही नहीं जाएंगे, न रहेंगे न देखेंगे। भगवान ने सोचा है आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, आत्मा का आनंद करना, अब मुझे इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो भगवान कब किसके ऊपर कैसे कृपा कर दें ये कोई नहीं जानता है। भगवान एक साधु का रूप बना करके उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि भैया तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है तुम्हारे दुख का कारण मैं जान सकता हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, ये कोई आपको रास्ता बता दूं। पंडित जी ने बताया कि मेरे दुख का कारण केवल परिवार है, परिवार से ही दुखी रहता हूँ, परिवार चला नहीं पाता हूँ, बड़ा है और आमदनी नहीं है और खर्चे आमदनी ठंडी खर्चा रुपया है, मैं क्या बताऊँ महाराज, बड़ा दुखी रहता हूँ मैं तो। इससे तो आज तो मैं बिल्कुल अपने प्राणों को त्यागने वाला था कि आप आ गए। तो गुरु ने कहा कि भैया ये गलत बात है, उठे और कमाने चल दिए, भगवान के लिए भी समय निकालो, भगवत चिंतन करो, सत्य के स्वरूप को पहचानो, भगवान को पहचानो। बस जन्म तो आपका बड़ा सुंदर हुआ है लेकिन आप भगवान की भक्ति करते नहीं हो, सत्य स्वरूप का पूजन करो, सत्यनारायण का पूजन करो, भगवान को पहचानो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे संकट बाधा निश्चित दूर हो जाएगी। उन्होंने एक विश्वास दिया, उस बात को उन्होंने अनुसरण किया। श्रवण मनन और निंध्यासन, श्रवण करने के बाद उसका मनन करना चाहिए, मनन करने के बाद निंध्यासन जीवन में उतारना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है। वो अपने घर पे आए लेकिन रात भर सोचते रह गए, मनन करते रह गए और सुबह उसको जीवन में उतारा भी, आज से मैं भगवान का पूजन करूंगा। उन्होंने अपने जीवन को ढाल दिया भगवान की सुंदर पूजन करते हुए और फिर अपने कार्य के लिए गए। जो भी कार्य रहा उनका, भिक्षाटन आदि मांगना जो भी, वो अपने उस कार्य के लिए गए। उसी कार्य में उनको वृद्धि हुई और उन्हें बहुत सद्धन दान आदि के रूप में जो भी प्राप्त हुआ ये भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। जा पर कृपा राम की हो, आप दया करही सब कोई। ऊपर वाला जब कृपा करता है तो चारों तरफ से कृपा होती है, इसीलिए जग रूठे वो ना रूठे, उसकी कृपा अगर बनी है तो सब कृपा करते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, उस दिन ब्राह्मण को जो भी धन प्राप्त हुआ उस धन से उन्होंने धर्म किया, धर्म में ही लगाया। ये नहीं कि वो धन मिला तो वो धर्म ना करें। उन्होंने ये भी सोचा कि जीवन में पहली बार मुझे इतना धन प्राप्त हुआ है,
इस धन को मैं धर्म में ही लगाऊंगा और विधिवत में भगवान का पूजन करूंगा। और विधि विधान से उन्होंने भगवान सत्यदेव का यजन अर्चन पूजन किया है। भगवान सत्यनारायण की इस कथा में कहीं नहीं आया है कि उन्होंने कथा की, कथा तो हम सुनते हैं उनकी कि कैसे भगवान की कृपा इन लोगों के ऊपर हुई है, क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, वो एक कथा बन गई। तो उस कथा को हम श्रवण करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने ब्राह्मण राजा लकड़हारे के ऊपर आपने कृपा की है, आपका उन्होंने पूजन किया था, आपने उनके दुखों को दारिद्र को दूर किया है, वैसे ही हमारे भी दुखों को दारिद्र को दूर करना। तो उस कथा को हम सुनते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई थी, उन्होंने केवल सत्य का पूजन किया, धर्म को जीवन में उतारा और उस सत्य स्वरूप को अनुसरण करते हुए जीवन यापन किया, तो भगवान की कृपा हुई सत्यनारायण भगवान की, वो एक कथा बन गई जिसको हम आप श्रवण करते हैं कृपा पाने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने इस पूजन को प्रारंभ किया और भगवत चिंतन करते हुए जीवन को बिताने लगे। धीरे धीरे उनका दुख दारिद्र संकट दूर हो गया। एक दिन वही पंडित जी धनवान हो गए, धन संपत्ति से संपन्नता से प्राप्त होकर के भी भगवत भजन करना, भगवत चिंतन करना, माला जपना आदि कार्य करते रहे और भगवान की कृपा होती रही। एक दिन की बात है कि एक गरीब लकड़हारा लकड़ी बेच करके अपने परिवार को चलाने वाला जब उधर से गुजरा तो देखा कि यहाँ पर एक छोटी जगह में जहाँ पंडित जी रहते थे निवास बना हुआ था, झोपड़ी बनी हुई थी, यहाँ पर तो बहुत बड़ा महल बना है, किसका बन गया भैया, ये मन में विचार करते हुए, मन में तरंगे उठते हुए कि आखिर कैसे बन गया, किसका बन गया, कौन बना लिया, मुझे चल करके पूछना चाहिए। धीरे धीरे डरते हुए वहां पर पहुंचे। एक कोई गरीब व्यक्ति राजा के महल के सामने से जल्दी गुजरने की हिम्मत नहीं करता है और उस महल के पास में डरते हुए वह पास में गया और वहां पहुंच करके सेवकों से कहा कि भैया ये किसका बना हुआ है, यहाँ पर पंडित जी निवास किया करते थे। तब उन पहरेदारों ने कहा कि ये हमारे स्वामी श्री शतानंद जी महाराज का महल है, हम उनके सेवक हैं, उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं, कहिए कहाँ से आना हुआ। बोले मैं लकड़ी बेचने के लिए निकल रहा था, मन में इच्छा हुई जानकारी करने के लिए, मैं आपके पास में आया हूँ, ये किसका बना, कैसे बना। उन्होंने कहा कि हमको ये सब तो नहीं मालूम है, लेकिन ये जानते हैं कि महाराज जी का है, उनके हम सेवक हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप अंदर जाकर के उनसे मिल लो, हालचाल पूछ लो। लकड़हारे ने कहा कि भैया प्यारे, हमारी इन लकड़ियों को देखना कोई ले ना जाए, हम अंदर मिलकर के पंडित जी से आते हैं। और जैसे अंदर वहां लकड़हारा प्रवेश किया, सुंदर मंडप, भगवान का सुंदर स्वरूप सत्यनारायण स्वामी विराजित हैं, परिवार बंधु जन बैठे हुए हैं और वह ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ में भगवान का पूजन कर रहा है। पूजन करते हुए जब पूजन पूर्ण हो गया, प्रसाद वितरण हुआ, लकड़हारे ने प्रसाद को पाया और लकड़हारे ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, महात्मन आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, ये भगवान का पूजन जो आप कर रहे हैं इससे किस फल की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण देवता ने सुंदर बात कही कि भैया मेरे, ये जो तुम देख रहे हो ये सब भगवान का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो इनका सेवक हूँ और मैं इनकी रखवाली करता हूँ, इसी भाव से जो लक्ष्मी की सेवा करता है कि लक्ष्मी हमारी माता है, हम जो है उनके पुत्र हैं और तब माँ अपने पुत्र के ऊपर कृपा करती है, जो कहते हैं कि भैया हम लक्ष्मी पति हैं, तो नारायण भी सोचते हैं कि भैया लक्ष्मी के पति तो केवल हमें, ये दूसरा पति कहाँ से आ गया, ये अपने आप को लक्ष्मी पति कहता है, इसको जरूर रोड पति बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमेशा माता लक्ष्मी को माँ के रूप में ही सेवा करते हुए उनका अर्चन करना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण हमारे माता पिता हैं और माता पिता के रूप में हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी कृपा पाने के लिए तो उनकी अवश्य कृपा प्राप्त होती है। सुंदर उन्होंने उपदेश दिया और उस उपदेश से उन्होंने कहा कि सत्यनारायण का पूजन अगर तुम करते हो तो तुम्हारा दुख दुर्भाग्य दूर होगा, हो जाएगा, कि निश्चित मानो आप। लकड़हारे के मन में भी एक वहां पर भक्ति जागृत हुई, भगवान के प्रति मन समर्पित हुआ और वहां पर उसने एक संकल्प लिया कि भगवान की कृपा
जरूर मेरे ऊपर होगी, मैं भगवान का जरूर पूजन करूंगा। हे प्रभु मुझे मौका दीजिए, ये अवसर दीजिए। लक्कड़ हारे ने सुंदर भगवान का वह जल प्रसाद आदि लिया और लकड़ी बेचने चला, लेकिन आज मन लकड़ी बेचने पे नहीं लग रहा, क्योंकि मन जो है भगवान के पास में समर्पित हो गया था, भक्ति में रम गया था। चलते चलते सोचता जा रहा है कि कब मुझे भगवान की कृपा होगी, कब मैं पूजन करूंगा, हे प्रभु कब आपकी कृपा होगी। यही सोचते हुए जा रहा था कि भगवान की ऐसी कृपा हो गई, ऐसे लोगों के बीच में पहुंचा जहां बिना मांगे लकड़ियों का दाम बहुत मिला, जो जीवन में नहीं मिला था वो संपत्ति उसे मिली। उस संपत्ति से वो खुश हुआ, भगवान की ही कृपा माना, भगवान की अहित की कृपा मान करके उस धन से उसने भगवान का पूजन किया है, धर्म किया है, दान किया है, सत्कर्म किया है। उसके परिणाम स्वरूप उसका दुख दारिद्र संकट दूर हो गया, धन धान से संपन्न हो गया। धीरे धीरे उसका दुर्भाग्य दूर होकर के संसार के जितने सुख होते हैं सारे सुखों का भोग करके अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई, जो योगियों को प्राप्त होती है। इति स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्राण प्रकथायाम द्वितीय अध्याय कृष्णार्पणमस्तु श्री वृंदावन बिहारी लाल की।